कलेक्टर संजय कुमार ने कलेक्ट्रेट भवन में प्रेस वार्ता कर 25 एवं 26 अगस्त को कोविड महा टीकाकरण अभियान की जानकारी दी। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने नई कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया, 25 एवं 26 अगस्त को महा टीकाकरण अभियान होगा, जिसमें 40 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। महा टीकाकरण अभियान की समस्त गतिविधियों का परीक्षण हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर संजय कुमार ने 25 एवं 26 तारीख को महा टीकाकरण अभियान प्रातः 9 बजे से सभी केंद्रों पर शुरू किया जाएगा, शाम को 7 बजे तक चलेगा। कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 389 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। सभी केंद्रों पर निरंतर टीकाकरण की जानकारी लेने हेतु 39 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं। 25 एवं 26 अगस्त को प्रति घंटे हुए टीकाकरण की जानकारी जिला एवं खंड स्थलों पर बनाए गए कंट्रोल रूमों को प्रदान करेंगे। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, महा टीकाकरण अभियान के दौरान ग्राम स्तरीय सभी कर्मचारी आवश्यक रूप से ग्रामों में ही उपस्थित रहकर महा टीकाकरण अभियान में पूर्ण सहयोग करें। अभियान के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन लगना है, उन लोगों की सूची ग्राम स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी से प्राप्त करें। इस अभियान में BLO, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के माध्यम से टीकाकरण हेतु आमंत्रित करेंगे। सेक्टर अधिकारी द्वारा भ्रमण के छाया चित्र भी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आगामी 25 और 26 अगस्त को कोरोना का जो वैक्सीनेशन अभी पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसका एक महाअभियान अगले दो दिन करनी है, 25 और 26 अगस्त को। तो इस महाअभियान में उद्देश्य यह है कि एक बारगी अभी थोड़ी सी शिथिलता ही है लोगों में, कुछ कम लोग आ रहे हैं, और सितंबर तक फर्स्ट डोज कंप्लीट करना है। तो पूरा वैक्सीनेशन का जो एफर्ट्स है, जो गति है, उसको थोड़ा सा और तेज़ करना है, ताकि एक 30 सितंबर तक फर्स्ट डोज समाप्त करने का जो लक्ष्य है, उसे आसानी से पूरा किया जा सके। दतिया ज़िले में अभी हम लोग 5,90,000 का जो हमारा लक्ष्य है, उसके विरुद्ध अभी 4,00,000 कर लिया है। अभी भी लगभग 1,90,000 लोगों का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज बाकी है। तो और हमारे पास ये तकरीबन 7-8 दिन अगस्त के और सितंबर के 30 दिन, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो महाअभियान है, इसमें हम लोग अगले दो दिन में 30,000 से 40,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। नॉर्मली हम लोग एक दिन में 7-8,000 वैक्सीन लगाते हैं, बट महाअभियान में हम लोग पर डे 20,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। और उसके लिए जितने भी ड्यू लोग हैं, जिनको अभी लगाना है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, उसकी लिस्टिंग करा रहे हैं। घर घर जाके जो BLO है, वो मतदाता सूची से लिस्ट कर रहा है, पूछ पूछ करके कि कौन से लोग हैं उस घर में जिसको अभी एक डोज लगा है, कौन से लोग जिसको दोनों डोज लग गया है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसका एक भी डोज नहीं लगा। उसके हिसाब से सिंगल डोज के या फर्स्ट डोज के लिए और सेकेंड डोज के लिए जो ड्यू लिस्ट है, वो बना रहे। और इन दिनों पे, दोनों दिनों पे हर गली मोहल्ले में बांट करके के लोगों को तैनात किया हुआ है कि घर घर से लोगों को वैक्सीन केंद्रों पर जाने के लिए आग्रह करेंगे। इसके अलावा व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तमाम जो सरकारी अमला है उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठनों और दूसरे जो संस्थाएं हैं, जो अक्सर इस प्रकार के गतिविधियों में हमारे सहयोगी होते हैं, उनको भी मोबिलाइज़ किया है, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो बना हुआ है ग्राम और वार्ड स्तर पर, उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको भी लोगों को घरों से निकाल करके टीकाकरण केंद्र तक लाने के लिए उनसे भी सहयोग ले रहे हैं। दीवार लेखन कर रहे हैं, माइक से प्रचार चल रहा है, लगातार उन लोगों की जो ग्रासरूट लेवल पे मोबिलाइजर टीम के रूप में काम करेगा, उसका ओरिएंटेशन की बैठकें चल रही है, आज दिन भर चली है अलग अलग जगहों पे अलग अलग अधिकारी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।